दोस्तों, वेलकम टू डायनेमिक कोडिंग विद अमित। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लेट्स, आज का हमारा सेशन है क्रिएटिंग ए सिंपल एप्लीकेशन टू परफॉर्म ए स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमें तीसरा वेरिएबल यूज करके दो नंबर को इंटरचेंज करना है। स्वैपिंग मतलब इंटरचेंज इन दोनों नंबर को। लेट्स गो टू द आवर विजुअल कोड स्टूडियो। लेट्स ओपन इट। हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। लेट्स कंसोल डॉट नेट फ्रेमवर्क नेक्स्ट लिखेंगे स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लेट्स क्रिएट इट। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो विजुअल स्टूडियो है पूरा हमें कंसोल डॉट नेट फ्रेमवर्क का ये पूरा सेटअप है, ये पूरा सेटअप बना के देता है। यहाँ पे जो पहला देता है यूजिंग मतलब हेडर फाइल जो होता है वो इंक्लूड करता है। यहाँ पे नेम स्पेस जो मैनी क्लासेस को स्टोर करता है, क्लासेस जो मेथड ऑफ वेरिएबल को स्टोर करता है, स्टैटिक वॉइड मेन जो पूरे जो प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करने हैं हम लोग ने मोस्टली मेन में लिखते हैं। तो हमें भी पूरा स्वैपिंग का जो थर्ड यूजिंग थर्ड वेरिएबल का प्रोग्राम करना है हम इधर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिस्प्ले करना है कि स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमें तीसरा वेरिएबल यूज करके लेट्स अब एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, मैंने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए नहीं लगाया था, तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगाना पड़ता है। जैसे हमें सी और सी प्लस में गेट सी एच लगाना पड़ता है, उसे अभी हमें सी साइड में भी लगाना पड़ेगा। तो सी साइड में लगाने के लिए हम लोग रीड की यूज करते हैं मेथड। लेट्स एग्जीक्यूट इट। लेट्स स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लेट्स अब इसके बाद हमें क्या करना है, यूजर से दो इनपुट लेना है मतलब दो नंबर लेना है। तो दो नंबर लेने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले लेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो राइट इंटर द ओके ज़्यादा हो गया गलत हो गया इंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमें प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेना है, फिर अब इसको स्टोर करना है। जो इनपुट हम लोग लेंगे उसको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए ए इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन जो मेथड होता है स्ट्रिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है स्टोर करने के लिए। बट अगर हम लोग को इसको यूज करना है तो हम लोग को यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 यूज करना पड़ेगा। लेट्स ये हम लोग ने ए का तो वैल्यू कर लिया, हम चलते हैं बी का वैल्यू। कंसोल डॉट राइट इंटर द वैल्यू ओके वैल्यू की स्पेलिंग गलत है वैल्यू ऑफ बी टाइप कर देंगे। ओके हम लोग ने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाया था। लेट्स अब इस जो इंटर करेगा उसको स्टोर करेंगे बी इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। मेथड को लेट्स ये हम लोग ने तो स्टोर भी कर लिया। लेट्स इतना ही प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, पर स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इसको हम लोग को नीचे करना पड़ेगा, लास्ट में रहेगा।
को ऊपर कर लेते हैं। लेट्स अब एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। एक इंटर द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3, ए और बी का वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। बट अब इसको स्वैप करना है, स्वैप करना है तो हमें यहाँ पे टाइप कर देते हैं कंस। ओके ओके, हमें इससे नीचे लाना है तो हमें क्यों ना इसको ही इंटर मार के ला जाए। यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको एक लाइन एक्स्ट्रा लेते हैं कि यहाँ से दूसरा सेट चालू हो जाएगा। आफ्टर द स्वैप टू नंबर, जब नंबर स्वैप हो गए तब वैल्यू क्या प्रिंट होगी देखते हैं। ये हो गया, ये तो सब हम लोग ने कर लिया। लेट्स हमें क्या करना है, अब लॉजिक लगाना है कि इस लॉजिक को कैसे यूज करें कि स्वैप हो जाए नंबर। लॉजिक टू स्वैप, हमें तीसरा वेरिएबल यूज करना है, मतलब तीसरा वेरिएबल आई थिंक हम लोग बना लेते हैं, तीसरा वेरिएबल यहीं बना लेते हैं इंट सी। हम लोग तीसरा वेरिएबल बना लेते हैं इंट सी। लेट्स हम लोग क्या करेंगे, सी में स्टोर करेंगे ए की वैल्यू, बी में स्टोर करेंगे सी, ए में स्टोर के बी की, ओके ए में स्टोर करेंगे बी की वैल्यू, लेट्स बी में स्टोर करेंगे सी की वैल्यू। ये हमारा हो गया, अब हमें इसे प्रिंट करना है कंसोल राइट डॉट राइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट लाइन लिखते थे, लेफ्ट लाइन में आना चाहिए। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, टैब देते थे, टैब देने के पहले यहाँ पे हम लोग कोटेज से क्लोज करेंगे। लेट्स फिनिश के बाद हम लोग इसको ए वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इन कंसोल डॉट राइट लाइन। लेट्स वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, टैप कर देते हैं, कॉन्कर्टिनेस करते हैं इक्वल टू बी। लेट्स हमें कहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, ओके सही हो गए। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए 2 इंटर किया, इंटर द वैल्यू ऑफ बी 3 इंटर किया, आफ्टर द स्वैपिंग 2 नंबर, ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 2। देखिए ये हमारा है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम लोग थर्ड वेरिएबल का पूरा यूज किया पर थर्ड वेरिएबल में कुछ स्टोर अब नहीं है क्योंकि हम लोग ने इसको चेंज कर दिया था। लेट्स सिंपल कैसे हुआ, लेट्स ए इक्वल टू 2 डाले, बी इक्वल टू 3 डाले, तो अब हो गया ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 हो गया। फिन हम लोग ने ए और बी का वैल्यू इतना डाला, लेट्स तो सी में स्टोर हो गया, इसको हम लोग एक लाइन और लेते हैं एक्सप्लेन के लिए। पहले हम लोग इसको असाइन करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं ए और बी में सपोज हम लोग ने स्टोर किया 2 एंड 3, लेट्स सी इज इक्वल टू ए, तो सी में आ गया, ए में 2 है, 2 स्टोर हो गया,
ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, बी में कितना है 3, ठीक। नेक्स्ट बी इक्वल टू सी, अब सी में कितना है, सी में 2 हो गया, ये देखिए सी में वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। लेट्स देखिए, पहले हमारा क्या था, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, अब क्या होगा, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2, ये लॉजिक है। एग्जीक्यूट करके एक बार फिर से देख लीजिए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, समझ लीजिए चेंज करते हैं 5, इंटर द वैल्यू ऑफ बी 6, लेट्स आफ्टर द स्वैप टू नंबर, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 5, दिस इज ए प्रोग्राम। लेट्स गो टू द, इसका लॉजिक देखते हैं कैसे होता है। सपोज हम लोग ने 2 वेरिएबल लिया, तीसरा वेरिएबल बना के रख दिया। यस लॉजिक देखें, ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू ए, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। लेट्स पहला लॉजिक का एग्जीक्यूट, पहला लॉजिक का हम लोग एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे हुआ। पहले हम लोग ने 2 वेरिएबल जो सी और ए है उसको लाए, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 यहाँ पे लाया, फिर हम लोग ने सी को बनाया, फिर आफ्टर द स्वैपिंग जो ए में स्टोर था वो सी में आ गया, यहाँ देखिए जो ए में स्टोर था वो सी में आ गया, फिर इसके बाद दूसरा दूसरा लॉजिक का स्टेटमेंट चालू हो गया। फिर यहाँ पे जो बी में स्टोर है 2 वो ए में आ गया, अब जो सी में स्टोर है वो बी में आ गया, ये हमारा स्वैपिंग हुआ। अब क्या हो गया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1, एक बार और देख लेते हैं। ये हुआ हमारा ऐसे स्वैपिंग हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। और किस पे इसको शेयर करें कि और जो उनको पता चले कि स्वैपिंग ऑफ नंबर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।